नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच को पाकिस्तान ने जीत लिया है। पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका 39 साल के मोहम्मद हफीज और 19 साल के हैदर अली ने निभाई है। अनुभवी बल्लेबाज हफीज ने 52 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी की मदद से पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करके दौरे का जीत से अंत किया। हफीज ने अपने पिछले सर्वोच्च स्कोर की बराबरी की। इस 39 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए और अपना पहला मैच खेल रहे 19 वर्षीय हैदर अली ने 33 गेंदों पर 54 रन के साथ तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। IPL 2020 की शुरुआत के लिए अब मात्र 3 सप्ताह से भी कम समय बचा है, लेकिन अभी तक इसका शेड्यूल घोषित नहीं किया गया है। अब IPL टीमों के लिए क्वारंटाइन नियम से जुड़ी राहत भरी खबर है। ऐसा माना जा रहा था कि टीमों को IPL मैचों के लिए अबुधाबी जाने पर क्वारंटाइन होना होगा, लेकिन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टीमें बिना क्वारंटाइन के सीधे दूसरे शहरों में जाकर मैच खेल पाएंगी। 6 बार की US ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स US ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गईं। उन्होंने बेटी ओलंपिया के तीसरे जन्मदिन के मौके पर टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 102वीं जीत दर्ज की। वे अब मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी हो गई हैं। उधर बड़ी बहन वीनस विलियम्स पहली बार US ओपन के पहले राउंड से हार कर बाहर हो गई हैं। उनका 22वां US ओपन टूर्नामेंट था। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गैरी स्टीट का अनुबंध 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। वह अब 2023 में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप तक इस पद पर बने रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को स्टीट का अनुबंध बढ़ाने को मंजूरी दी। इस दौरान 2021 में भारत में और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप भी खेले जाएंगे। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने करियर में पहली बार ग्रैंड स्लैम मैच में जीत हासिल की। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी ब्रेडल क्लॉन को अमेरिकी ओपन के पहले दौर में 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से मात दी। 124वीं रैंकिंग के सुमित नागल अब दूसरे दौर में वर्ल्ड नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम का सामना गुरुवार को करेंगे। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अमेरिकी ओपन सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला था। नागल ने 1 घंटे 27 मिनट तक चले मुकाबले में ब्रेडले को शिकस्त दी। नागल ने US ओपन के अलावा अब तक कोई ग्रैंड स्लैम नहीं खेला है, जबकि वर्ल्ड नंबर 129 ब्रेडले चारों ग्रैंड स्लैम खेल चुके हैं, लेकिन वह दूसरे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। WWE के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है। सुपरस्टार रेसलर ब्रॉक लेसनर से नाता तोड़ AEW का दामन थाम सकते हैं। हाल ही में हुए कई बदलाव इस बात की ओर इशारा करते हैं। अगर ऐसा होता है तो WWE फैंस के लिए ये बुरी खबर होगी। दरअसल रोमन रेंस की धमाकेदार एंट्री के बाद से ऐसा लगने लगा है कि WWE ने ब्रॉक लेसनर को लेकर मन बना लिया है। WWE अब रोमन रेंस को सबसे बड़े स्टार के तौर पर पेश कर रही है। यही नहीं, ब्रॉक लेसनर के साथ साई की तरह दिखने वाले पॉल हेमन भी अब रोमन रेंस के साथ हो गए हैं। WWE के सबसे बड़े रेसलर और सुपरस्टार रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर वो WWE के नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं। रोमन रेंस के लिए यह मौका 2 साल बाद आया, जब उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। इससे पहले साल 2018 में उन्होंने यह टाइटल जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह सितंबर के पहले सप्ताह में संयुक्त अरब अमीरात पहुंच टीम से जुड़ सकते हैं। हरभजन निजी कारणों से चेन्नई में लगाए गए टीम के शिविर में हिस्सा नहीं ले पाए थे और इसी कारण वह टीम के साथ 21 अगस्त को UAE नहीं पहुंच सके थे। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन ने कहा कि हरभजन के सितंबर के पहले सप्ताह में दुबई आने की उम्मीद है। वह टीम के साथ मंगलवार को जुड़ने वाले थे, लेकिन वह अभी भी अपने परिवार के साथ हैं। IPL 2020 में एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। सुरेश रैना का IPL से नाम वापस लेना हो या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैन रिचर्डसन का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, फैंस अब इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अब ऐसा कोई और झटका ना लगे। लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स के खेमे से खबरें अच्छी नहीं आ रही है। राजस्थान रॉयल्स अपने सबसे अहम खिलाड़ी बेन स्टॉक्स को लेकर चिंता में है। दरअसल IPL के लिए उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार।